स्वागत है आप सबको मेरे फिर से अपने ब्लॉग में। मैं हूँ रायबरेली में, और रायबरेली में मैंने देखा कि एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी है, वो भी अंडा की दुकान है। यहाँ पर अंडा रोल बनाते हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है। मैं इसीलिए मैं भी बनवाया हूँ, देख सकते कितना बड़ा अंडा रोल है, डबल अंडे का है, और इसको कीमत है 60 रुपये। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं भैया, बहुत भीड़ लगती है। आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड। जैसा फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, एक अंडा रोल पक चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से पकाते हैं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। उसके बाद बनाने के लिए देखिए, दो अंडे लिए हैं, दो अंडे के बाद फोड़ चुके हैं। फोड़ने के बाद इन्हें हल्का सा नमक, जैसा आप लोग खाना पसंद करते हैं, हल्का सा प्याज, हल्का सा मिर्च, जैसे आप लोग तीखा पसंद करते हैं अपने हल्का तीखा, उसी तरह से आपको अंडा रोल भैया बनाएंगे, आपसे पूछेंगे। इसमें हल्का सा तेल डाल चुके हैं, तेल डालने के बाद पूरी अच्छी तरह से अंडा मिक्स कर लिए हैं, सबकी अच्छी तरह सब कुछ मिल जाए। उसके बाद तवा में हल्का सा प्याज डाल चुके हैं, उसके बाद चारों तरफ इसको डाल दिए अंडा को। उसके बाद ये बेस यानी कि रोटी, इसको पहले तो कंप्लीट कर कर घर से लाते हैं। देख सकते कितना बड़ा सारा ये है, जितने की ये लाते हैं, पूरी रोटी इसमें भरी रहती है, पूरी टंकी जो है रोटी से भरी रहती है, ऊपर तक काफ़ी खाली हो चुकी है, काफ़ी भरा है। उसके बाद इसमें चारों तरफ देखिए तेल डाल रहे हैं तवा पर, जो कि चारों तरफ अच्छे से पक जाए ये रोल, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, अच्छे से पकाते हैं भाई साहब। भीड़ जाए जितनी लगी हो, लेकिन ये अपना काम अच्छे से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, अच्छे से पका रहे हैं रोल। आप लोग देख सकते हैं इसको घुमा घुमा के अच्छी तरह से पकाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह से अंडा रोल पक जाए। इसको पलट चुके हैं, उसके बाद फिर इसमें तेल डालेंगे चारों तरफ। देख सकते पूरा तेल में तैरा करता है इनका रोल, तवा में देख सकते तेल की कोई कमी नहीं है। ऐसा अंडा रोल बनाते कि पूरा तेल से पूरा तैर रहा है, ऐसा लग रहा है कि रोल जो है तेल में तैर रहा है, इतनी अच्छी तरह से भाई साहब पकाते हैं। जो कि रायबरेली में सबसे फेमस अंडा रोल यही है। इसका लोकेशन की बात करें तो ये सिविल लाइन, रायबरेली सिविल लाइन के जस्ट नीचे ओवरब्रिज है, उसके नीचे इनकी दुकान है छोटी सी, लेकिन भीड़ बहुत लगती है भाई साहब यहाँ पर। मैंने भीड़ देख कर यहाँ पर रुका, मैं भी सोचा देखते हैं क्या चीज़ बनता है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, पकने के बाद इसको अच्छी तरह से और घुमा रहे हैं जिससे पूरी तरह से पक जाए। इसके बाद मैं फ्रेंड आपको यहाँ दिखाता हूँ कि भीड़ कितनी मात्रा में यहाँ पर लगती है, कितनी भीड़ लगती है यहाँ पर खाने के लिए। देखिए अभी दोपहर के 2 बजे हैं और भीड़ कितनी लगी है, यहाँ पर काफ़ी लोग खा रहे हैं अंडा रोल, देख सकते चारों तरफ मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर। देखिए अच्छी तरह पक चुका है, अभी सजाने के लिए जाएगा, इसको काफ़ी अच्छी तरह सजाएँगे। देख सकते हैं अभी पूरी तक कंप्लीट नहीं हुआ है अंडा रोल, पूरी पका है बस, इसको अच्छी तरह से पकाते हैं, कोई पकाने में कोई कमी नहीं करते हैं। उसके बाद ये अंडा रोल प्लेट में आएगा, इसको प्लेट में डाल चुके हैं। इसको डालने के बाद ये भाई साहब एक और लगे रहते हैं, अब इनमें अच्छी तरह से और भी मटेरियल डालेंगे, जैसे बंद गोभी डाल चुके हैं भाई साहब, पहले से काट के घर से लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काटने का अगर टाइम ही नहीं मिलता बनाने का तो काटेंगे कैसे। हल्का प्याज डाले हैं, वह सॉस डाले हैं, देखिए काफ़ी यूनिक तरीके से इनका स्टाइल है डालने का, हल्का दोनों चटनी डाल चुके हैं, दोनों सॉस। उसके बाद इसमें हल्का सा धनिया डाल चुके हैं और हल्का सा मसाला स्वाद के लिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके रोल करके दे रहे हैं, मैं देता हूँ, देखता हूँ स्वाद में कैसा है। मैं लेने के लिए यहाँ फैला चुका हूँ और खाता हूँ, ट्राई करता हूँ कैसा। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मैं अंडा रोल ले चुका हूँ, इतना बड़ा सारा अंडा रोल है, और मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखते हैं स्वाद में कैसा है, आपको बताता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वाद बहुत अच्छा है। जैसे भैया 60 रुपये में देते हैं,